तो देख आपने देखा रिपोर्ट की किस तरीके से अब जो है झारखंड में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक धनबाद जो है अछूता था, लेकिन यहां पर भी अब एंट्री कोरोना वायरस की हो चुकी है। बहरहाल चलते हैं रिम्स परिसर से, हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, सबसे पहले जानकारी यही चाहेंगे कि जो भी मजदूर माफी चाहूंगे जो भी पॉजिटिव मरीज का इलाज रिम्स में चल रहा है, वहां से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? अरे देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो रिम्स के कोविड वार्ड में करीब 13 जो संक्रमित पीड़ित व्यक्ति हैं, 13 कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उनका इलाज चल रहा है। और मैं इस वक्त बताता हूं पुनीता की, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंचे हैं रिम्स, और लगातार जो रिम्स के चिकित्सक हैं उनसे बैठक चल रही है और व्यवस्थाओं की जायजा लिया इदारा, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर जो एक्टिव दिख रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद दिख रहा है, रिम्स प्रबंधन हर दिन तैयारियां कर रहा है ताकि कोरोना के इस महामारी से लड़ा जा सके। और आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद रिम्स पहुंचे हैं, और रिम्स के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह, रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप और स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी, वो इस वक्त रिम्स पहुंच चुके हैं। और रिम्स में जो है वो एक अहम महत्वपूर्ण बैठक जो है चल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। तो आज खुद जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रिम्स पहुंचे हैं, बैठकों की जो दौर है वो चल रही है। फिलहाल जो है हर चीजों की समीक्षा की जा रही है कि अब तक कोरोना के कितने पॉजिटिव केस आए हैं, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, और भविष्य में कोरोना से लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं। सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है वैसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो कि कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे थे, और उनका लगातार जो है स्क्रीनिंग किया जा रहा है, सैंपलिंग किया जा रहा है, और वैसे लोगों को रिम्स के आइसोलेशन वार्ड या फिर जो क्वारंटाइन जोन बनाए गए हैं वहां रखा जा रहा है। तो फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रिम्स पहुंचे हैं, और एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पुनीता, बिल्कुल सत्यव्रत, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है मुस्तैद नजर आ रही है, हर चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है रिम्स परिसर का कि किस तरीके से वहां पर जो है सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है या फिर नहीं। सत्यव्रत बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। जमशेदपुर चलते हैं, अन्य अमृता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अन्य, फिलहाल जमशेदपुर से आप क्या कुछ जानकारी दे पा रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से? आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी पुनीता, देखिए एक तरफ माननीयों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, दूसरी तरफ पुलिस का ये भी चेहरा है कि दिन रात वो धूप में सभी पहलू को दिखाते हैं। पुनीता, पुलिस का ये कार्य सराहनीय है, लेकिन आम व्यक्ति के साथ अलग तरह का बर्ताव और बड़े लोगों के साथ अलग तरह का बर्ताव। अगर आम व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो उस लॉकडाउन के आरोप में उसको गिरफ्तार किया जाता है, जमानत पर छोड़ाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ पुनीता, हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार, महिला पत्रकार है, वो जुड़ गई, वो अपने कवरेज के लिए यहाँ आई थी, उनसे बातचीत हो रही थी। तो वो एनिमल लवर्स हैं, पेट रखती हैं घर में, और वो सारे लोग जो पेट्स रखते हैं उनकी क्या दिक्कतें इस लॉकडाउन में हो रही है, उनकी तरफ वो बता रही कि किस तरह से पुलिस जो है मिसबिहेव करती है, जो अपने डॉग्स को लेकर बाहर कहीं नदी के किनारे जाते हैं। तो उनके माध्यम से हम जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है, जानवरों का भी तो अधिकार है, उनको भी जीना है, वो कैसे लॉकडाउन में कोप अप करें, क्या दिक्कत आ रही है अभी जब लेकर बाहर जाती हैं, पुलिस का व्यवहार क्या रहा? पुलिस का व्यवहार कल तो काफ़ी बुरा रहा। प्रॉब्लम यह है कि उनको पता नहीं है कि लॉ क्या है, कि एनिमल की नीड्स क्या है। तो लॉकडाउन के जितने भी डूज एंड डोंट्स है वो इंसानों के लिए नहीं है, और इंसानों के लिए है, और डॉग्स को पता नहीं है कि क्या करना है, वो अपने हिसाब से अपने आदत से मजबूर है और वही करेंगे जो वो करते आए हैं। तो पेट ओनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बाहर जाए, इच्छा से नहीं जाते हैं, वो मजबूरी है उनको बाहर जाना, लेकिन पुलिस ये मानते नहीं है कि उनको बाहर जाना चाहिए, और बहुत सारों को तो शायद सेक्शन 188 आईपीसी के तहत भी अंदर किया गया है, नोटिस भेजा गया है। तो यही प्रॉब्लम है कि पुलिस समझ नहीं रही कि ये एक ज़रूरत है और इसको पूरा करने की भी ज़रूरत है। इस विषय पर आपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से मुलाकात की, कुछ गाइडलाइंस मांगे कि इसमें बताया जाए कि आखिर जो डॉग्स हैं घर में लोगों के लिए उनको बाहर लेके जाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
तो इस विषय में मेरी एसएसपी सर से बात हुई है कल, तो उन्होंने बोला है कि इसमें सोच की चिंतन की ज़रूरत है। और भी मेरी बात हुई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से और पेटा से, जो मुंबई के एक्टिविस्ट है जो वहाँ पे भी कर रहे हैं काम, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई डायरेक्टिव भारत सरकार की तरह से नहीं है कि नहीं ले जाना है, लेकिन अपने तरीके से वो जो गाइडलाइंस इशू किए हैं, पेटा ने इशू किया है अक्रॉस द कंट्री, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दूर ना जाए अपने पेट्स को लेकर, एक डिस्टेंस मेंटेन करें अपने घरों से, मे बी 200-300 मीटर्स, और मे बी एक टाइम स्पेसिफाइड टाइम है वो ये करें, और मास्क और जो भी प्रिकॉशन है इस प्रोटोकॉल है इस समय में वो ज़रूर फॉलो करें, और बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस प्रिकॉशन और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए, ये पेटा ने भी यही जारी किया है। पुलिस से क्या सहयोग होना चाहिए इस विषय पर जो नहीं हो रहा है? पुलिस से ये सहयोग होना चाहिए कि उनको ये पता लगना चाहिए कि कौन ऐसे ही निकल रहा है, घूमने निकल रहा है, और कौन मजबूरी में निकल रहा है। तो अगर आप किसी को भी पेट के साथ देखें वैसे टाइम पे जब उनको घुमाने का टाइम होता है, यूजुअली 3 बार लोग घुमाते हैं, सुबह शाम और रात को, तो जो उनकी ज़रूरत होती है, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो पेट को घुमाने निकले ना कि अपने घूमने निकले हैं। हाँ, अगर आप किसी को देखें कि अपने डॉग लेके दिन भर घूम रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो एक एक्सक्यूज़ ले देते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपने पेट्स का। लेकिन अगर वो अपने टाइम पे जाते हैं, अपने टाइम से निकलते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो डॉग्स के लिए निकले ना कि अपने घूमने के लिए निकले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर कोई लेके सुबह से रात तक घूम रहा है तो समझ में आता है कि हाँ वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर नीड्स की वजह से मजबूरी में लोग निकल रहे हैं, और वो भी बहुत दूर नहीं, क्योंकि किसी के घर के सामने भी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते अपने पेट्स को लेकर के, तो ये मजबूरी हो जाती है कि नदी के किनारे या आसपास कोई ऐसी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं लोग, जहाँ टॉयलेट के लिए लेके जाते हैं अपने पेट्स को और बाहर निकालते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो जानवरों का भी प्रश्न है पुनीता कि जानवरों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, इस पर एक बहस होनी चाहिए कि आखिर इसका क्या उपाय है, क्योंकि सड़क के जो जानवर है उनको फिर भी कुछ कुछ भोजन मिल जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था हो जा रही है, जो घर में जो जानवर हैं पेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अछूते हैं, जिन पर चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, उनके लिए लोग क्या करें, और अगर लोग निकलते हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसा हो, इसको लेकर कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है पुनीता, जिस पर बिल्कुल यानी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेजुबान जो है वो भी इस वक्त काफी परेशान हुए हैं। चलिए आनी बनी रहिए, रिम्स परिसर चलते हैं, हमारे साथ सत्यव्रत बने हुए हैं लगातार। सत्यव्रत, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहां पर निरीक्षण किया जाता है, तमाम चीजें देखभाल वहां पर की जाती है, लेकिन सत्यव्रत अगर एक चीज हम देखें, इन 20 दिनों में जो भी हमने चीज देखी है, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन मरीज जो है वो ठीक नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं रिकवरी की खबर सामने नहीं आती है, लेकिन बाकी राज्यों में हम देखें तो जितने संक्रमित हैं उससे कई ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो यहां पर भी इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो रिम्स परिसर में स्वास्थ्य की चीजें जो है, इक्विपमेंट्स जो है, उसकी कमी होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्या कुछ फिलहाल जो है इसको लेकर वहां पर चिंता की जा रही, क्या कुछ इसको लेकर समीक्षा की जाती है? अरे बिल्कुल सही कहा पुनीता आपने कि लगातार जिस तरह के कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ती जा रही है, वर्तमान में अगर बात करें तो करीब 29 कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हो चुके हैं, और उनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, लेकिन अब तक अगर रिकवरी की बात करें तो कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है जो कि रिकवर किया हो। अगर सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव की बात करें, राज्य के सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मरीज की बात करें, तो जो मलेशिया मूल की रहने वाली महिला थी, उस में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाया गया था, और उसके बाद से लगातार उस महिला को रिम्स के कोविड वार्ड में रखा गया है। समय समय पर जो भी सैंपलिंग की जांच होती है वो किए जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो की जाती है। सही कहा पुनीता आपने कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी है, चूंकि अगर बात अपने राज्य की करें तो संसाधनों का जो है वो घोर अभाव है, संसाधनों की कमी है, लेकिन रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जो भी महत्वपूर्ण जो सुविधाएं होनी चाहिए वो लगभग मौजूद है, जो भी मेडिकल उपकरण होने चाहिए वो मौजूद है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन जैसी जो सुविधा होनी चाहिए वो मौजूद है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं, नर्स, अस्पताल कर्मी, सफाई कर्मियों की एक लंबी चौड़ी फौज है जो कि रिम्स के कोविड वार्ड में तैनात है, और वैसे में लगातार जो भी पॉजिटिव व्यक्ति आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रिकवर की अगर बात करें तो भले ही राज्य में अब तक कोई भी ऐसा रिकवर जो है वो नहीं देखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार वैसे जो संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनका लगातार इलाज किया जा रहा है, रिम्स में सभी बिल्कुल। चलिए आप नजर बनाए रखिए।